हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ओप्पो एनको बड्स वर्सेस बोट एयरड्रॉप्स 131 प्रो। एक्चुअली ये दो भी बहुत पॉपुलर थे, लास्ट ईयर लॉन्च हुए थे दो भी। अभी तक मैं ये 1 ईयर तक यूज़ करा था ये बोट और ये ओप्पो को। एक्चुअली ये बोट का नया वर्शन है जो पिंक कलर में आया था, ट्रेंडी गर्ल्स के लिए मेनली। और ये ओप्पो एनको बड्स ये लास्ट ईयर का वर्शन है, जो ओप्पो एनको बड्स 1। अभी तो ओप्पो एनको बड्स 2 भी चल रहा है, मगर मुझे तो ये एनको बड्स 1 ही बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अपने बजट के हिसाब से एक कंप्लीट पैकेज मिलता है इसमें। अब हम दो के बारे में, डिफरेंसेस और इसके क्वालिटी के बारे में, और किसके लिए कौन सा सही है उसके बारे में बात करेंगे। मगर उससे पहले, आप मेरे चैनल पे नए हो तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं ये दो के डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ के बारे में जानने के लिए। सबसे पहले इसके डिज़ाइन की बात की जाए तो ओप्पो एनको बड्स ग्लॉसी फिनिश में आता है और लाइट वेट है और दिखने में बहुत प्रीमियम लगता है। और इसमें आपको दो कलर्स मिलते हैं, एक है ये ब्लू कलर का और दूसरा है वाइट कलर का। इसके लिड भी काफ़ी स्ट्रांग है और स्टडी भी है, और पॉकेट में इजीली कैरी कर सकते हो आप। जींस के पॉकेट या फॉर्मल के पॉकेट पे भी इसी पे इजीली आप लेके जा सकते हो कहीं पे भी। कमिंग टू बोट एयरड्रॉप्स 131 प्रो, ये भी काफ़ी ट्रेंडी है दिखने में और लाइट वेट भी है, इजी टू कैरी है, मगर ये मैट फिनिश पे आता है और इसको भी आप इजीली पॉकेट में रख लेके जा सकते हो। मगर कंपेयर टू ओप्पो एनको बड्स ये थोड़ा साइज़ में बड़ा है और पॉकेट में भी थोड़ा लंबा दिखेगा आपको। उसके अलावा इसका लिड थोड़ा मुझे डेलिकेट दिखा कंपेयर टू ओप्पो एनको बड्स। और हम बात करते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी के बारे में। वैसे मुझे एनको बड्स का थोड़ा बिल्ड क्वालिटी बेटर लगा, क्योंकि इसका प्लास्टिक जो यूज़ किया था और इसका वेट मैनेजमेंट, ये सब देख के मुझे बोट्स के कंपेरिजन में थोड़ा बेटर लगा, क्योंकि इसका बिल्ड क्वालिटी थोड़ा मुझे डेलिकेट लग रहा है बोट का। अब चॉइस आपकी है, जो आप चाहिए वो ले सकते हो। कमिंग टू द इट्स प्राइस, ये जब मैं लिया था, जो लॉन्च के टाइम पे लिया था ओप्पो एनको बड्स, उस टाइम पे ऑफ़र पे मुझे 1299 में मिला था। ये काफ़ी अप एंड डाउन होते रहता है इसका प्राइस, मोस्टली 1499 पे मिलता है और अभी तो 1799 पे भी चल रहा है। कमिंग टू बोट एयरड्रॉप्स 131 प्रो, ये इसके दूसरे वेरिएंट्स तो लास्ट ईयर लॉन्च हुए थे, ब्लैक और दूसरे कलर्स भी मिलेंगे आपको। वो तो 1299 1399 में आपको रेगुलरली मिलते रहते, और ये जो पिंक कलर है ये रिसेंटली लॉन्च हुआ था 3 मंथ्स बैक, इसका प्राइस 1299 पे था। ये कभी कभी सेल के टाइम पे 1199 पे भी मिल जाता। कमिंग टू इट्स कॉन्फ़िगरेशन, ओप्पो एनको बड्स में आपको 24 आवर्स प्लेबैक टाइम मिलेगा, जो जैसा कंपनी ने क्लेम किया था। और इसका ब्लूटूथ वर्जन 5.2 है और इसमें गेमिंग मोड है और लो लेटेंसी भी है, 80 मिलीसेकंड्स का लो लेटेंसी आपको मिलता है, और एक बार चार्ज करने पे आपको 6 आवर्स प्लेबैक का टाइम भी मिलता है। ये तो कंपनी ने क्लेम किया था। और डॉल्बी एटमॉस और AAC ऑडियो भी सपोर्ट करता है आपको, और इंटेलिजेंट नॉइस कैंसिलेशन भी है इसमें। और मेनली इसमें ये TPU प्लस पीक मटेरियल से इक्विप हो गया है इसमें, और IP54 डस्ट प्रूफ और वाटर रेसिस्टेंस भी है इसमें। ये आपको देखने में बहुत सिंपल और एलिगेंट लगता है। कमिंग टू बोट एयरड्रॉप्स 131 प्रो, इसमें आपको 11 mm के ड्राइवर्स मिलते हैं और 45 आवर्स का प्लेबैक टाइम मिलता है, और ENX नॉइस कैंसिलेशन भी मिलता है। ब्लूटूथ वर्जन तो इसका 5.3 है, ओप्पो में तो 5.2 का है और इसमें 5.3 का है। इसमें बीस्ट मोड है जो गेमिंग के टाइम पे यूज़ करने के लिए, और लो लेटेंसी भी है। IPX5 वाटर रेसिस्टेंस रेटिंग है, और वॉइस असिस्टेंस और ईजी टच कंट्रोल्स भी मिलते हैं आपको। ईजी टच कंट्रोल्स तो दो में भी आपको मिलेंगे। यह है जो कॉन्फ़िगरेशन कंपनी ने क्लेम किया था, मगर हम रियलिटी में जानेंगे कौन सा बेटर है और कौन सा कैसा काम करता है। उसके लिए पहले हम जानेंगे कंफर्ट इन ईयर्स के बारे में, जो कि ओप्पो एनको बड्स और बोट एयरड्रॉप्स में दो में भी आपके कान में बराबर बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। दो भी स्टिफ और परफेक्टली फिट हो जाएंगे, आप जिम के टाइम पे या वर्कआउट के टाइम या रनिंग के टाइम पे इजीली इसको कैरी कर सकते हो, और ये कुछ भी आपके कान से निकल नहीं जाएंगे। दो में भी आपको ईयरबड्स अच्छे वाले देखने को मिलते हैं, अच्छे क्वालिटी के देखने को मिलते हैं, आप देख सकते हो। ऑलमोस्ट सेम क्वालिटी के सिलिकॉन यूज़ किया था रबर। इसमें आपको बोट एयरड्रॉप्स में तो स्टिक के जैसा मिलेगा, दो भी टच कंट्रोल्स इजीली कर सकते हो आप 1 टैप या 3 टैप से। दो में भी आप 3 टैप्स करने के बाद ये ऑटोमेटिकली गेमिंग मोड में चले जाएगा, इसमें तो गेमिंग मोड में जाता और बोट में तो आपको बीस्ट मोड में जाता है। मगर मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा ओप्पो का बेस्ट है क्वालिटी में, मतलब
कंफर्ट इन ईयर्स के बारे में सोच लिए तो आपको बराबर आपके कान में बैठ जाएंगे। जिनके कान छोटे या मीडियम साइज़ के होते हैं उनके कान में इजीली फिट हो जाएंगे। अगर जिसके कान थोड़ा बड़े हो तो उसको ये सिलिकॉन के रबर चेंज करना पड़ता है आपको। देखने में अच्छा लगते हैं दोनों भी कानों में, कोई प्रॉब्लम नहीं, और डस्ट दोनों में भी इतना ईजीली नहीं जमेगा। वाटर रेजिस्टेंस तो ऑलरेडी IP54 और IPX5 पे मिल जाएंगे आपको दोनों भी। मगर एक बात मैं ये नोटिस किया था कि जब आप कोई मूवी या लॉन्ग टाइम तक म्यूज़िक देखते हो दोनों में भी, ओप्पो इनको बड्स में थोड़ा आपका ईयर्स कंफर्ट ज़्यादा रहने की वजह से आपके कान ज़्यादा दर्द नहीं होंगे। मगर आप ये बोट एडॉप्स 131 प्रो ज़्यादा टाइम लगाने के पर इसका वेट मैनेजमेंट के वजह से और फिटिंग के वजह से एक टू या थ्री आवर्स के बाद आपके कान थोड़ा पेन होना स्टार्ट होंगे, और आप थोड़ी देर वो निकाल के फिर से थोड़ा रेस्ट लेने के बाद ही उसको रख सकते हो, नहीं तो आपके कान में बहुत दर्द होगा। कमिंग टू द चार्जिंग टाइम, दोनों में भी आपको अच्छा खासा चार्जिंग मिलेगा। जितना कंपनी क्लेम करता है वो कभी भी कोई भी ईयरबड्स इन रियलिटी प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं देंगे, वो बात तो आप याद रखना है। मगर जितना मैं प्रैक्टिकली यूज़ करा था उसके मुताबिक जनरली आप एक घंटा चार्ज किए तो भी आपको दो तीन दिन आराम से चल जाएगा ये ओप्पो इनको बड्स। कंपनी क्लेम करती है कि एक घंटा चार्जिंग से आपको 6 आवर्स का प्लेबैक टाइम मिलेगा। एक्चुअली मुझे तो कई बार उससे भी ज़्यादा मिला था, तकरीबन 7 to 8 आवर्स भी मिला था। कमिंग टू दिस बोट एडॉप्स 131 प्रो, आपको थोड़ा चार्जिंग टाइम में ज़्यादा वक्त लेगा ये ओप्पो इनको बड्स, थोड़ा जल्दी चार्ज हो जाएंगे, और बोट एडॉप्स 131 प्रो थोड़ा टाइम ज़्यादा लेंगे। और लेने के बाद भी आपको बैकअप तो अच्छा मिल जाएगा, तकरीबन 6-7 दिन आप स्टैंड बाई पे रख सकते हो दोनों ईयरबड्स को भी, कोई प्रॉब्लम नहीं। 6-7 दिन के बाद भी आप निकाल लेके आराम से यूज़ कर ले सकते हो, और 100% चार्ज उसमें इनबिल्ट रहता है ये, जब केस चार्ज हो जाता है ऑटोमेटिकली ईयरबड्स को भी चार्जिंग कर लेता है स्टैंड बाई मोड में। दोनों का बैकअप भी अच्छा मिलता है। मुझे ऐसा लगा था कि इसका चार्जिंग टाइम थोड़ा ज़्यादा ले रहा है और बैकअप भी थोड़ा कम है जितना कंपनी क्लेम करता है, उतना तो मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि 45 आवर्स का प्लेबैक टाइम कंपनी क्लेम करता है, मगर मुझे ये तकरीबन 27 to 28 आवर्स का प्लेबैक का टाइम दे रहा था। बोट कंपनी ने क्लेम किया था कि 5 मिनट्स चार्जिंग से आपको 60 मिनट्स का प्लेबैक मिलेगा, मगर इन रियलिटी मुझे इतना चार्जिंग टाइम नहीं मिला था। 5 मिनट्स में चार्जिंग किया था जब पूरा डेड हो गया था, उसके बाद मुझे बस 30 या 40% का चार्जिंग इसमें मिला था, जो कि वो 1 आवर तक तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आया। मगर आप एक 15 टू 20 मिनट्स का चार्जिंग के बाद तो आपको 1 to 2 आवर्स इजीली मिल जाएगा, वो तो मैं टेस्ट किया था। अब हम बात करते हैं इसके साउंड क्वालिटी के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो भी TWS ईयरफोन्स खरीदना चाहते हो। एक TWS ईयरफोन्स का मेन मकसद ये होता है कि अच्छा खासा साउंड देना है और नॉइज़ कैंसिलेशन करने का है, और वॉइस क्वालिटी अच्छा रहना है जो कॉल्स में या वीडियो कॉल्स में। कमिंग टू बेस और म्यूज़िक और ट्रेबल साउंड के एक्सपीरियंस में ओप्पो इनको बड्स तो काफ़ी आगे निकल जाता है, क्योंकि इसे टक्कर देने वाला ईयरफोन्स मिड रेंज में अभी तक कोई नहीं आया है, क्योंकि इसका बेस और इसका ट्रेबल या सराउंड साउंड इतना अच्छा है कि आप लिटरली आँखें बंद कर लेके ये खरीद ले सकते हो अगर आप म्यूज़िक लवर हो तो। क्योंकि आप जब भी इससे आप कोई गाना या 3D सराउंड साउंड या 8D साउंड कुछ भी सुन लो, इसका क्वालिटी इतना अच्छा है कि आप सुनते रह जाओगे और आपके एक्सपीरियंस अल्टीमेट होगा। आप ऐसा फील करोगे कि जब जैसा आप कोई प्रीमियम बोस का या कुछ और 10 या 15 हज़ार वाला ईयरबड्स यूज़ कर रहे हो, इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है। ओप्पो ने इसमें कमाल कर दिया साउंड क्वालिटी के मामले में, इसमें बेस सराउंड साउंड और ट्रेबल हर चीज़ इतना अच्छा मिलता है कि इवन आप वॉइस को भी इतना अच्छा सुन सकते हो गानों में या सॉन्ग्स में या मूवीज़ देखने के टाइम पे, जो भी कैरेक्टर का वॉइस है बहुत अच्छा आपको सुनाई देगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मगर वही आप बोट 131 से कंपेयर करते हो तो इसका बेस मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, और इसकी साउंड क्वालिटी भी मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी म्यूज़िक सुनने के टाइम पे। जो फील आपको मिलना है वो फील आपको ये पूरा नहीं देगा, क्योंकि इसमें बीट्स या बेस या ट्रेबल इतना अच्छा नहीं है, जस्ट एवरेज क्वालिटी का है। जब भी आप कोई अच्छा गाना सुनना चाहते हो उसके अच्छा म्यूज़िक के साथ सुनना चाहते हो तो ये आपको डिसअपॉइंट करेगा ज़रूर। इसमें आप इतना प्रीमियम फील बिल्कुल भी नहीं करते हो। इसमें थोड़ा कंपनी ने कॉस्ट कटिंग कर लिया जैसा आपको लगेगा, क्योंकि एक बार ओप्पो इनको बड्स आप सुनने के बाद अगर ये सुनते तो आप कम्प्लीटली डिसअपॉइंट हो जाएंगे, इतनी बुरी साउंड है इसमें, मैं प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ। मगर इसमें एक अच्छी बात यह है कि इसकी वॉइस क्वालिटी तो बहुत अच्छी है और नॉइस कैंसिलेशन भी अच्छा है। इसमें एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन का ऑप्शन दिया है, जो कि
नॉट कंप्लीट नॉइज़ कैंसिलेशन बट थोड़ा बहुत कर लेता है, मगर वो भी काफ़ी है। वही अगर ओप्पो एनको बड्स से आप कंपेयर करते हो तो ओप्पो के वॉइस क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि आपको जब भी आप किसी से वॉइस कॉल्स करते हो या जनरल कॉल्स करते हो तो आपका आवाज़ दूसरे लोगों को इतना क्लियरली नहीं सुनाई देती, हमेशा डिस्टरबेंस आते रहता। कभी कभी आपकी आवाज़ पूरी तरह नहीं जाती, बहुत लो वॉइस उनको सुनाई देता। मगर वो प्रॉब्लम मुझे बोट में तो कभी महसूस नहीं हुआ। बोट में जब भी आप किसी से भी बात करते हो कॉल्स पे या वीडियो कॉल्स पे, तो आपको कभी भी ये डिफरेंस नोटिस नहीं होगा कि आप फ़ोन पे डायरेक्टली बात कर रहे हो या ईयरबड से बात कर रहे हो, क्योंकि दूसरों को इतना अच्छा आपका आवाज़ सुनाई देती है। कॉल्स पे इजीली कॉन्फ्रेंस कॉल भी रख ले सकते हो, आप जब भी बाहर भी हो आपकी कॉल्स की क्वालिटी अच्छा सुनाई देगी उनको। इसकी माइक क्वालिटी बहुत अच्छी है बोट की। वही आप ओप्पो एनकोबड्स को कंपेयर करते हो तो इसका माइक क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है। म्यूज़िक के लिए तो बहुत ज़बरदस्त है, मगर वॉइस के लिए मुझे थोड़ा इसका डाउनग्रेड लग गया कंपनी से। बोट में तो आपको वॉइस क्वालिटी अच्छा मिलेगी, मगर म्यूज़िक में आपको डाउनग्रेड मिलेगा। अगर सिंपल से बताना हो तो म्यूज़िक के लिए ओप्पो एनकोबड्स, और वॉइस कॉल्स और जो भी ज़्यादा मीटिंग्स या कॉन्फ्रेंस कॉल्स में रहते हैं या वर्क के लिए लेना हो तो कॉल्स के लिए, तो बोट का भी चल जाता आपको। मगर इससे कंपैरेटिवली दूसरे ब्रांड्स भी है, वो भी मैं बताऊंगा, मगर आप वीडियो एंड तक देखिए। अब बात करते हैं इसके कनेक्टिविटी के बारे में। देखिए ओप्पो एनकोबड्स में आपको कनेक्टिविटी में कोई भी इश्यू नहीं होगा। एक बार अगर पहले आप कोई डिवाइस को कनेक्ट कर लिए तो वो हमेशा जब भी आप दूसरे बार करना चाहते हो विद इन 2 to 3 सेकेंड्स आप लिड ओपन करते ही ऑटोमेटिकली उस डिवाइस से कनेक्ट हो जाएगा। कोई भी लैग आप महसूस नहीं करोगे। आप जितने भी डिवाइसेस को इसे पेयर कर लीजिए एक के बाद एक, और दूसरे जो भी नया डिवाइस से आप पेयर कर लिए और दूसरे बार उसको ऑफ करके फिर ऑन कर दीजिए, तब भी ये इतना ही स्पीडली कनेक्ट होगा जितना पहले बार कनेक्ट हुआ है। मगर वही बात आप बोट एडॉप्स से तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैं इतना परेशान हो गया कभी कभी इसके कनेक्टिविटी से, क्योंकि जो भी फ़ोन आप प्रीवियसली कनेक्ट कर रहे थे उसको ये इमीडिएटली कनेक्ट नहीं हो रहा था। बहुत सारे सेटिंग्स चेंज किया था, बहुत सारा दिक्कत हुआ था मुझे इसे कनेक्टिविटी के मामले में, क्योंकि जब भी मैं कनेक्ट करता हूँ वो कनेक्ट नहीं होता है और हमेशा सर्चिंग सर्चिंग बोल के ही दिखाता है। जब भी वो सेलेक्ट होने के बाद भी आप कनेक्ट उस पर प्रेस कीजिए डिवाइस पे, मगर आपको वो कनेक्टिविटी नहीं दिखता है। कभी कभी हाफ एन आवर या 45 मिनट्स भी लग जाता है आपको कनेक्ट करने में। ये पता नहीं ये मेरे डिवाइस में प्रॉब्लम है या हर कोई बोट एडॉप्स 131 में यही प्रॉब्लम है। इस पे तो कंपनी बहुत फोकस करने का है, क्योंकि अगर कनेक्टिविटी ही प्रॉब्लम हो तो आप लेके भी कुछ फ़ायदा नहीं है। कभी कभी तो मैं इसको रीसेट भी किया था, यहाँ पे रीसेट बटन भी है, रीसेट भी किया था फिर भी कनेक्ट नहीं हो रहा था। कभी कभी ये किया 2 दिन भी कनेक्ट नहीं हो रहा था, तो मैं दूसरे एयरडॉप्स को यूज़ कर लेना स्टार्ट किया था, फिर 2 दिन के बाद फिर ऑटोमेटिकली कनेक्ट होते थे, बहुत दिक्कत हो रही थी मुझे। अगर आपको भी यही दिक्कत हो तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और आपको इसमें लाभ है क्या है कि दोनों में भी यहाँ पे बस एक चार्जिंग का लाइट इंडिकेटर मिलेगा आपको। आप देख सकते हो दोनों में भी बस एक छोटा सा एलईडी इंडिकेटर दिया हुआ है। आपको कोई भी चार्जिंग परसेंटेज के देखने को नहीं मिलता कितना चार्ज हुआ और क्या हुआ। बोट में तो आपको 2-3 कलर मिलेंगे चार्जिंग के टाइम पे, रेड ग्रीन या ब्लू ऐसा। इसमें तो बस 2 ही कलर मिलेंगे, रेड या और ग्रीन। चार्जिंग कम हो तो ये रेड इंडिकेट करेगा ओप्पो। इसके अलावा आपको दूसरे आजकल बहुत सारे कंपनी से इसमें चार्जिंग का परसेंटेज भी दे रहे, वो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि कितना टाइम पे चार्ज रखना और कितना चार्जिंग हुआ हमें इजीली पता चलता। मगर ये दोनों डिवाइसेस में भी आपको वो ऑप्शन नहीं मिलता है। कमिंग टू द फाइनल पॉइंट, कौन सा लेना बेहतर है और इसके अल्टरनेटिव्स भी क्या है। अगर आप एक अच्छा वाला ईयरफोन्स मेनली म्यूज़िक के लिए लेना चाहते हो और आपका बजट 1300 के अंदर है या 1300 के आसपास है, तो मैं आपको ओप्पो एनकोबड सजेस्ट करूँगा, क्योंकि इसका साउंड क्वालिटी, बेस और ट्रेबल और कंप्लीट सराउंड साउंड बहुत अच्छा है और आपको प्रीमियम फील देगा। और इवन आप म्यूज़िक में भी नॉइज़ कैंसिलेशन इसमें देख सकते हो, और बैकअप भी अच्छा देगा। एक बार चार्ज कर लिए तो आपको 6-7 घंटे इजीली मिल जाएगा। वही अगर आप मेनली आपका मेन पर्पस कॉल्स के लिए है और आप ज़्यादा कॉन्फ्रेंस कॉल्स अटेंड करते हो, वीडियो कॉल्स अटेंड करते हो, या जॉब के टाइम पे या ट्रैवलिंग के टाइम पे आप कॉल्स के लिए यूज़ करना चाहते हो और म्यूज़िक आपका सेकंड प्रायोरिटी है, तो आप ए बोट एडॉप्स 131 प्रो ले सकते हो, क्योंकि इसका एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन अच्छा है और कॉल्स का क्वालिटी भी अच्छा है। म्यूज़िक के लिए इतना खास नहीं है, और इसमें 11 mm ड्राइवर्स मिलते हैं जिससे आपका वॉइस ईजिली कैप्चर कर लेगा और
दूसरों को भी इजीली अच्छे से सुनाई देगा, और दोनों भी बजट में करीब करीब है। सेल के टाइम में ऑलमोस्ट इक्वल प्राइसेस में मिलते हैं, जस्ट 100 डिफरेंस में। इसके अल्टरनेटिव्स आपको ओप्पो इन्फोबड्स 2 भी मिलेंगे, रियलमी 8 प्रो मिलेगा और बोट 8 ऑप्स 141 प्रो भी मिलेंगे, और ट्रूक बड्स S1 भी मिलेगा। मुझे लास्ट ईयर का ट्रूक बड्स S1 इससे भी बेहतर लगा, बोट से भी अच्छा लगा, क्योंकि उसमें चार्जिंग इंडिकेटर भी है और स्टैंड बाई टाइम तो काफ़ी अच्छा था, क्योंकि आप 15 दिन के बाद भी आप उसको निकाल के यूज़ करो, उसका चार्जिंग जैसे के वैसे ही रहता था, और उसका क्वालिटी भी, वॉइस क्वालिटी अच्छा था, और म्यूज़िक का क्वालिटी भी बोट से भी बेटर था। बोट बस एक ब्रांड के वजह से इसका मार्केट अच्छा चल रहा है, मगर क्वालिटी के मामले में, साउंड क्वालिटी के मामले में मैं बोट के बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ किया था। बोट और भी काम करना है उसके साउंड क्वालिटी के मामले में। ओप्पो के तो फ़ोन्स को छोड़ दो, मगर उनका ईयरफोन्स और ईयरबड्स के क्वालिटी तो काफ़ी शानदार है, और वो लोग अच्छा तैयार करते हैं म्यूज़िक के लवर्स के लिए, ये बहुत अच्छी बात है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे कमेंट्स में भी बता सकते हो। प्लीज़ मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।